एहसास फाउंडेशन हर जगह लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि आप लोग आईपीएल देखने के लिए बेंगलुरु और कलकत्ता चले जाते हैं, एक मौका है आप चले देश बचाने के लिए, दिन बचाने के लिए। इस बीच हमारे बीच बहुत अजीम शान शख्सियत वहां पे मौजूद हैं जिनकी दुआओं से हमारा मुल्क, हमारा शहर, हमारा राज्य महफूज है। मैं उनके दुआने जाना चाहूंगी, कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद और क्या मैसेज देना चाहेंगे वैसे लोगों को जो जिनको इस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो हमारे सरपरस्ते मुहतरम दुलमज देवल करम जनाब हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब ने जो ये तहरीक चलाई है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी तहरीक है और हमारे लिए जो है ये एक दीन बचाओ और देश बचाओ की तहरीक है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये ऐसी तहरीक है जिसमें आपका दीन भी बचेगा और आपका देश भी बचेगा। लेकिन याद रखिए, जब आप जो है दूसरों के साथ, यानी अपने दूसरे जो आपके यहाँ रह रहे हैं आपके, यानी आपके मुल्क में, अगर आप उनके साथ मुखालफत करेंगे, आप उनके साथ दुश्मनी करेंगे और आप उनके साथ ज्यादती करेंगे, तो याद रखिए ये जरिया हम उम्मत मुस्लिमा है, हम जो है ज्यादातर जो है यानी जुल्म को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इस वजह से कि अगर आप इस तरह हमारे साथ मोहब्बत करेंगे, ये देश भी जो है ता कयामत तक चमकता रहेगा और रोशन रोशन रहेगा। लेकिन अगर आप हमारे साथ ज्यादती करेंगे तो याद रखिए ये दिन नहीं, ये दिन तो बचेगा ही हर हाल में, लेकिन आपका देश जो है आपका हो सकता है कि आपकी धज्जी धज्जी उड़ जाए। और दीन का तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो है खुद दीन की जिम्मेदारी ली है कि इन्ना नहनु नज़्ज़ल ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, कि हम जो है दीन की खुद हिफाजत करेंगे, चाहे खुद भी हो जाए जितना भी हो जाए। इससे पहले भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने भी इस रुए जमीन पर बहुत दिनों तक हुकूमत की, लेकिन हमने एक अपना फरीजा समझकर, अपना भाई समझकर, चाहे वो गैर मुस्लिम हो चाहे वो मुसलमान हो, लेकिन मैंने उनके साथ जो है बिल्कुल इंसाफी का सबूत दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि इस वक्त के हुक्मरान से वो भी जो है इस बात की सबूत दे, इसलिए कि आज कुर्सी कल आज तुम्हारी बारी है, कल हमारी बारी हो सकती है। इस वजह से आप इस बात से आगाह रहे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये दीन बचाओ और देश बचाओ जो तहरीक है, हम इसमें अपने नौजवान साथियों से, मुसलमान साथियों से हम गुजारिश करेंगे, मुसलमान भाई से, कि वो जो है इसमें जम्मे गफीर की तादाद में शरीक हो और जो है अपने मुखालिफ को ये सबक दें, ये सबक सिखाए कि देखो मैं अभी बेदार हूँ, इसलिए जब हम बेदार हो जाएंगे तब तुम जीना भी छोड़ दोगे और तुम जीने पर साबित नहीं हो, यानी कि साबित कदमी नहीं हो पाओगे। इसी वजह से हम तुमसे ये चाहते हैं कि तुम एक जगह अपने जिस तरह अपने दूसरे भाई, अपने गैर अपने भाई से मोहब्बत करते हो, इसी तरह जब तुम अपने दूसरे भाई से भी मोहब्बत करते हो। बहुत अच्छी बात है, इस्लाम भाईचारा इंसानियत सिखाता है। और कहीं ना कहीं इन्होंने ये कहा कि जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला है। और इंशाअल्लाह पटना गांधी मैदान आज तक के ऐतिहासिक सरजमीन है, आज तक पटना गांधी मैदान नहीं भरा है, लेकिन यहाँ के नौजवान, यहाँ के बिहारवासी भर देंगे।